नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गैलेक्सी ऑफ थिंग्स। आज हम आपके लिए लाए हैं कैसे गर्मियों में पेट यानी कि पालतू जानवरों की अच्छी देखभाल कर सकते, हाउ टू डू गुड केयर ऑफ पेट्स एट होम इन समर। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो गर्मी में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से अपने पालतू जानवर है उनको बीमार होने से बचा सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह का खाना देना चाहिए, किस वातावरण में रखना चाहिए, कब और किस समय पर उन्हें घुमाने या व्यायाम कराने ले जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, अब हम देखते हैं कि आपको पालतू जानवरों का पेट्स का खास ख्याल क्यों रखना चाहिए। क्योंकि गर्मियों में लू व गर्म हवाएं बहुत चलती है, जैसा कि गर्मी में टेम्परेचर जो है तापमान बहुत अधिक हो जाता है वातावरण का, जिसकी वजह से हवा जो है गर्म हो जाती है और लू के रूप में चलती है। उसकी वजह से कि जानवरों में पानी की कमी हो जाती है ज्यादा तापमान की वजह से, साथ ही मक्खी और मच्छर अधिक हो जाते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं जानवरों के शरीर पर बहुत बाल होते हैं, जैसे कि डॉग्स और कैट्स पे, तो गर्मी की वजह से और पानी की कमी की वजह से उनको बहुत परेशानियां होती है। ऊपर से मक्खी और मच्छर जो होते हैं वो उनके शरीर पर इधर उधर बैठते हैं, जिससे उनको बहुत परेशानी होती है, इरिटेशन होती है। साथ ही सबसे बड़ी समस्या जो पेट्स के साथ होती है वो ये है, जू और कलीलों यानी कि जो एनिमल इंसेक्ट्स होते हैं जो उनके बालों के अंदर हेयर्स के अंदर फंसे होते हैं, उनकी जो संख्या वो ज्यादा हो जाती है, जिसके वजह से पेट्स की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और हमारे जो पेट्स हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप गर्मी में कैसे अपने पेट्स को बचा सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि गर्मियों में पेट्स को भोजन विषाक्त यानी कि फूड पॉइजनिंग, उल्टी दस्त, वॉमिटिंग, पीलिया, जॉन्डिस, पानी की कमी, खाज खुजली अधिक होती है। अतः इन बीमारियों की शुरुआत होने पर ही आप किसी अच्छे पशु चिकित्सक से उपचार कराएं। साथ ही कृमिनाशक दवा यानी कि जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, टीकाकरण भी अवेलेबल है डॉग्स और किड्स के लिए, जो पशु चिकित्सक उनके द्वारा सलाह लेकर के नियमित रूप से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसी के साथ पेट्स को हल्का सुपाच्य आहार दें। सुपाच्य इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, तो गर्मी के में पानी की कमी होती है, ऊपर से अगर आप उनको हार्ड भोजन देंगे तो पचा नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से उनका डाइजेशन खराब हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि उनको हल्का सुपाच्य भोजन दिया जाए, लिक्विड डाइट दिया जाए, जिससे कि उनके शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाए। साथ ही ताजा भोजन दें और भोजन रखने के एक घंटे बाद ही हटा दें। उन्हें बासी भोजन न दें। पेट्स को खाने पीने के बर्तन जो होते हैं वो हमेशा साफ और सुथरे रखें, मींस उनकी क्लीनिंग जो है डेली होना चाहिए। ठंडा ताजा जल पिलाइए और आप चाहें तो मिट्टी के घड़े का ठंडा जल भी पिला सकते हैं। ध्यान रखिए नमक और चीनी जो होती है वो कम दी जाए पालतू जानवरों को। गर्मियों में पेट्स की खुराक कम हो जाती है, यह चिंता की बात नहीं है। साथ ही गर्मियों में पेट्स को आप जूस, छाछ, लस्सी, सिकंजी, डेयरी की छाछ, यहाँ तक कि आप आइसक्रीम भी दे सकते हैं। ये सब जो फूड्स है ये उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, जिससे कि वो बीमार नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आगे हम बताने जा रहे हैं कि आपको और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको कैसे उनको एक्सरसाइज कराना चाहिए, कब और कहां पर एक्सरसाइज कराना चाहिए। तो ये चलते दोस्तों, हम आपको बताते हैं पेट्स को ठंडी छायादार जगह में रखें। दोपहर में पेट्स को ठंडे कमरे में रखें जहां पंखा या कूलर लगा हो। साथ ही इस बात का खास ध्यान रखें कि रोशनी कम हो, जिससे कि पेट्स को सो सके दिन में। और एक इम्पोर्टेंट बात, दोपहर में कूलर वाले कमरे में पेट्स को अचानक से बाहर ना निकालें, इससे एक्सपोजर होने का डर रहता है। मतलब कि अगर आप एकदम से ठंडे वातावरण से गर्म वातावरण में
अपने पेट्स को पालतू जानवरों को लेके जाएंगे तो उनके बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उन बातों का खास ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आप पेट्स को सुबह शाम घुमा सकते, साथ ही लॉन की हरी घास में सुबह शाम व्यायाम कराइए, आप उनके साथ खेल सकते हैं, उनको दौड़ाइए, तो पेट्स को सुबह और शाम घुमाइए और साथ ही लॉन की हरी घास में सुबह शाम व्यायाम कराइए। इससे उनका जो बॉडी, उनका जो एक्टिविटी है वो मेंटेन रहता है, उनका जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है। तो दोस्तों गर्मियों में पेट्स को कंघी रोजा ना करें, क्योंकि जो कलीले और जू होती है वो उनके बालों में से निकल जाए। जैसे कि आप जानते हैं डॉग्स और कैट्स में हेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो जो जो एनिमल इंसेक्ट्स होते हैं वो उसमें छुपे रहते हैं, तो अगर आप कंघी रोज करेंगे तो वो आसानी से उसके शरीर से निकल जाएंगे। साथ ही सप्ताह में एक बार पेट्स को जरूर नहलाएं। यदि पेट्स के जू कलीले पड़ गए हों तो कलीले नाशक दवा साइप्रोल 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर पेट्स को नहलाने के बाद लगाएं। इससे क्या होगा कि जो जू और कलीले हैं वो मर जाएंगे और पेट्स क्लीन हो जाएंगे। गर्मियों में पेट्स के बाल झड़ते हैं, अतः परेशान ना हो। यदि बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हों तो पशु चिकित्सक से संपर्क करें और अपने पेट्स को दिखाएं कि उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, तो आप पशु चिकित्सक एनिमल डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कर उनको इलाज कर सकते। तो दोस्तों इस तरह से आप गर्मियों में भी अपने पेट्स की देखभाल कर सकते हैं, उन्हें उन तरह तरह की होने वाली बीमारियों से आसानी से बचा सकते हैं। तो ये कुछ खास बातें हमने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में फ्यूचर में आप और भी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले पा सकेंगे। साथ ही एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने व्यूज जो है कमेंट सेक्शन जो है वहां पर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।